नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आइए आज हम यहां समझते हैं ग्रेट इंडियन वस्टर्ड को। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार से ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के संरक्षण कार्यक्रम और वर्ड डाइवर्टर लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा था। इस पर भारत के सर्वोच्च बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राजस्थान और गुजरात में केवल 33 केवी से नीचे की बिजली लाइनों को भूमिगत करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये प्रस्ताव जीआईवी की विलुप्ति का कारण बन सकता है। राजस्थान और गुजरात में सौर संयंत्रों से निकलने वाली उच्च तनाव वाली बिजली की लाइनें इन पक्षियों के उड़ने वाले क्षेत्रों में बिछी हुई हैं। ये उच्च तनाव बिजली लाइनें अक्सर ग्रेट इंडियन वस्टर्ड की मौत का कारण भी बनती हैं। शीर्ष अदालत ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर ही एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम विकसित करने को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा था। जीआईवी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड की आबादी के संरक्षण के उद्देश्य से राजस्थान में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वस्टर्ड 2013 में शुरू किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध इंडियन वस्टर्ड को IUCN की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। जीआईवी मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, हालांकि इसकी एक छोटी आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। घास के मैदानों में रहने वाला इंडियन वस्टर्ड स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है।